BSF ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2021। नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर BSF में ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंट का काफ़ी बेसब्री से अभ्यर्थियों को इंतजार हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और BSF का जो ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट आने वाला है वो काफ़ी बड़ा और अच्छा रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया सभी कैंडिडेटों के लिए रिक्रूटमेंट रहने वाला है। साथ ही दोस्तों खास बात यह है इस रिक्रूटमेंट की कि इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए और आगे आने वाले BSF ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2021 से जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो BSF ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2021। अब यहां पर मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से बता देता हूं, क्योंकि BSF का जो भी रिक्रूटमेंट आता है ट्रेड्समैन का, वो आपके ऑफलाइन होता है, मतलब ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं पहले उसके, और अलग अलग ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगी, कुक, बार्बर, स्वीपर, मोचिन, सभी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर बात करें तो 2018 के बाद में BSF ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट नहीं आ पाया, क्योंकि कोविड के चलते 2018 की जो BSF ट्रेड्समैन की भर्ती थी उन्हें 2021 में फाइनली ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो अब नया रिक्रूटमेंट आपका आने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें तो नए रिक्रूटमेंट के तहत यहां पर कम से कम आपकी जो वैकेंसी होगी दोस्तों, वो कम से कम मैं आपको बता देता हूं, लगभग आपके 2000 प्लस इस बार आपका रिक्रूटमेंट होने के पूरे चांसेज है ट्रेड्समैन का। और इसकी जो कट ऑफ रहती है दोस्तों, वो स्टेट वाइज कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो 25 मार्च के बाद में आने वाला था, लेकिन कोविड के चलते इसे पोस्टपोन्ड किया गया था। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पोस्ट अपडेट की बात करें तो 11 मार्च को ये जो अपडेट हुआ था कि 25 मार्च के बाद में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नहीं आ पाया, कोविड के चलते इसे पोस्टपोन्ड करना पड़ा। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों नए रिक्रूटमेंट के बारे में। तो नया रिक्रूटमेंट जुलाई में आपका रिक्रूटमेंट आने वाला, मतलब इसी महीने आपका BSF ट्रेड्समैन का बड़ा रिक्रूटमेंट आने वाला है, जो कि काफ़ी लंबे समय से कोविड के चलते नहीं आ पाया था। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जनरल OBC और EWS के लिए ₹100 चार्ज है, जबकि SC ST PWD और एक्सेस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूं आपको इसके लिए क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिजिकल क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस भर्ती के लिए सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, बिल्कुल फिजिकल होगा, और मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रेस होगी और यहां पर उनको 24 मिनट का समय दिया जाएगा, जबकि लॉन्ग जंप आपका 11 फीट होगा जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग जंप और हाई जंप है 2018 से पहले वाली भर्तियों में होते थे, उसके बाद में इनको हटा दिया गया। तो अब आपका दोस्तों केवल आपकी रनिंग होने वाली है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की और यहां पर आपको समय दिया जाएगा 8.5 मिनट का। उसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जितने भी ट्रेड्समैन की वैकेंसी हो सब 10th पास रखी गई, उसके अलावा 12th पास अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर 12th पास भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन सभी का रिटर्न, और रिटर्न के बाद में मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनली सिलेक्शन आपका करवाया जाएगा। काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है, लंबे समय से इस रिक्रूटमेंट का इंतजार अभ्यर्थियों को हो रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलने वाली है। पिछली बार की अगर वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ गई थी, जिसमें कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिनकी कट ऑफ मात्र 40 से लेकर 45 नंबर पर ही गई थी। तो अलग अलग ट्रेड की अलग अलग राज्यों की अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप हर प्रकार के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उसकी पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं, अगर ऑफलाइन रिक्रूटमेंट है तो उसके ऑफलाइन फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, फॉर्म कहां से डाउनलोड करें, तो सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। यहां पर आपको लिंक है टेलीग्राम ग्रुप, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। साथ ही दोस्तों ये जानकारी अगर आप पूरी डिटेल से देखना चाहते हैं तो साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।